विशाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि मांझा जो सॉन्ग आपका आया था आयुष शर्मा जी एंड शाहिद मांझेकर, बड़ा हिट हो गया, तो आप कैसे सेलिब्रेट की वो सक्सेस? बहुत अच्छा, 20 दिन में 3 गाने रिलीज किए हमने, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऑडियंस वैलिडेट करती है। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट हमेशा वैलिडेशन ढूंढता रहता है, अंडरस्टैंडिंग ढूंढता रहता है किसी भी जिंदगी के क्षेत्र में, और जब आप गाने बनाते हो और लोग उतना पर्सनली लेते हैं 3 गानों को, चाहे वो मांझा हो, वो लड़के लड़कियों में बहुत प्रचलित हो गया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया आया, वो नियरली देश का दूसरा राष्ट्रगान बन गया, फिर अभी अभी आज भी आया है जो कि लवर्स का एंथम बन चुका है। सो इट्स समथिंग दैट आई रियली होप कि बरकरार रहे, और जिस तरीके से ऑडियंस प्यार करती है, मुझे लगता है मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी ऑडियंस। आपके उस गाने को नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया था। जी जी जी, मोदी सर ने भी ट्वीट किया, और सबसे खूबसूरत बात है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलिडेशन भी मिला उसे, और मोदी जी के ट्वीट करने से क्या होता है, बात और फैल जाती है, बात और पब्लिक हो जाती है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने इस तरीके से हमारे गाने को सपोर्ट किया, और एक्चुअली हमने उनके इनिशिएटिव को ही आगे बढ़ाया, उन्होंने ही इंस्ट्रक्शन सारी दी थी, तो वो इस पूरे इनिशिएटिव के वो भीष्म पितामह है और हमने सिर्फ उनका 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 कहा हुआ स्वीकार करके आगे बढ़ाया, और आई एम सो ग्लैड कि लोगों को बहुत पसंद आया, और इससे ज्यादा एक आर्टिस्ट के लिए खूबसूरत समय नहीं हो सकता। इसी बात पर दो लाइनें हो जाए उस गाने की। मुस्कुराएगा इंडिया सुनाता हूं मैं। मुस्कुराएगा लिखा है ये कौशल जी किशोर ने, बहुत ही खूबसूरत राइटर है वो, बनाया और गाया मैंने और स्वीकार किया है देश ने। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गांवों में लौटेगी हंसी, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, ओ, ओ, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, हो 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 जय 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 जय। के लिए और जरूरत भी है इस गाने की, होप वी ऑल नीड होप। तो मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि लॉकडाउन चल रहा है, आप अपना दिन कैसे बिता रहे हैं, आपका रियाज कैसा चल रहा है आजकल इस लॉकडाउन के पीरियड में? जी, मैं आता हूँ उन्नाव से, उन्नाव शहर में मेरी पैदाइश हुई है, और वहां जब मैं पैदा हुआ था तो 12 घंटे लाइट नहीं आती थी तो मेरे लिए ना ये बहुत नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि रात में इतना ही शांति और सुकून, 10 बजे के आसपास लाइट चली जाती थी तो मैं छत पे चला जाता था, छत पे बिस्तर लगा के सोना, तो इतनी सुकून इतनी शांति मिलती, तो मुझे लॉकडाउन परेशान करने से ज्यादा नॉस्टैल्जिक कर रहा है कि मुझे वो यादें ताजा कर रहा है, और बाकी मेरे मैं वैसे भी ज्यादा कहीं इधर उधर जाता नहीं हूँ। हाँ, ये है कि और काम कर रहा हूँ, थोड़ा बोर भी हो रहा हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे लगता है जहन में डाल दिया है किसी ने कि आप बाहर नहीं जा सकते, इससे लोग ज्यादा परेशान है, वरना लोग तो खुद क्रेव करते रहते हैं कि बाहर नहीं जाना, घर पे वक्त बिताना, घर वालों के साथ वक्त चाहिए, बट दिमाग में जब ये होता कि नहीं बाहर नहीं जा सकते तो मुझे लगता है लोग परेशान होते हैं, बट बहुत जरूरत है। अभी जैसे बॉर्डर पे सोल्जर्स हैं, वैसे हम घर पे सोल्जर्स हैं बिना जर्सी के, और हमारे हाथ में इस देश का फ्यूचर है,
तो हम जितना घर पे रहेंगे, जितना सफाई का ध्यान रखेंगे, जितना सेफ्टी बरकरार रखेंगे, आई थिंक देश के लिए उतना अच्छा होगा। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने कि हम लोग घर पर बैठकर सोल्जर्स के बराबर है, जितना हम घर पे रहेंगे उतना अच्छा होगा। आपका जो कबीर सिंह का गाना है, कैसे हुआ? लाइक मेरे हिसाब से वो आपके करियर का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट रहा है, क्या इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ एक्चुअली इस चीज से। करियर का टर्निंग पॉइंट क्या होता है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं। करियर जहाँ पे शुरू होता है वो टर्निंग पॉइंट होता है करियर, उसके बाद तो इंसान मेहनत इसीलिए करता है ताकि उसको सक्सेस मिले, उसके गानों को वैलिडेशन मिले। कुछ गानों को मिलता है, कुछ गानों को नहीं मिलता है। बट मेरे लिए करियर का टर्निंग पॉइंट वो दिन था जिस दिन मैं बॉम्बे आया। मुझे लगता है जब मैंने ये सोचा कि नहीं अब यही करना है, वो टर्निंग पॉइंट है। और जब वो शिद्दत आ गई मन में तो मुझे लग गया कि नहीं अब यहाँ रहूंगा। कबीर सिंह नहीं होती तो शायद सांड की आंख होती, सांड की आंख नहीं होती तो शायद आज भी होता, या उससे पहले रेसरी होती, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे आपको शिद्दत से, अपनी सच्चाई से काम करना चाहिए। हाँ ये बात जरूर है कि मेरे सबसे ज्यादा चहेता गाना वही है जो लोगों को पसंद है, लोग बहुत प्यार करते हैं और सारे ही गानों से प्यार करते हैं। मेरा जो भी गाना रिलीज होता है जिस तरीके से लोग उससे मोहब्बत देते हैं, चाहे वो आज भी, अभी 7 दिन पहले रिलीज हुआ है, करीब 27 मिलियन तो यूट्यूब पे कर लिए उसने, और एक साथ 3 गाने ट्रेंड कर रहे थे मेरे, तो बड़ी कमाल की बात है। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि तानसेन बेकार है अगर उसके पास कानसेन नहीं है, तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूं। और मुझे लगता है मेरे जो लिसनर्स हैं, मेरे जो ऑडियो कंज्यूमर्स हैं, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा म्यूजिक बना सकूं जो लोगों को साथ जैसा महसूस हो, कम्फर्ट जैसा महसूस हो। सर इसी बात पे हमें कैसे हुआ सुना दीजिए। आपको पसंद है वो गाना? मुझे लगता है आपको ज्यादा पसंद है वो। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल, बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। थैंक यू। मेरा अगला सवाल ये होगा कि ये लॉकडाउन के पीरियड में तो लोग बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं या फिर अच्छा, और भी ज्यादा? कौन है ये लोग, मुझे मुलाकात कराइए इनसे, कैसे हो रहे हैं? कई पूछता था आपका क्या हाल है, आप प्रोडक्टिव हो रहे हैं कि आपको लग रहा है चलो अभी तो आराम का मौका मिला आराम कर लेते थोड़ा? मैं कहीं बीच में फंसा हुआ यार, मैं कहीं आलस और काम के बीच में फंस गया हूँ, तो मैं काम कर भी लेता हूँ और आलस भी कर लेता हूँ। मेरा थोड़ा अजीब स्पेस है, बट अच्छी बात है, खुद से मुलाकात हो रही है मुझे लगता है। और ये वक्त मुझे नहीं मालूम, ब्लेस्ड वो लोग हैं जो अपने माँ बाप के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैं इस वक्त, जिनके साथ उन्हें वक्त बिताना अच्छा लगता है। मैं अपने 2 कुत्तों के साथ हूँ और कौशल जी मेरे साथ हैं, कौशल भाई जो कि राइटर हैं, तो उनके साथ थोड़ा मेरा वक्त बीत जाता है। अदरवाइज उन लोगों से थोड़ी सी जलन है, जॉन का शेयर है, अब जो भी खुश है मुझसे जलते हैं, वाले जो उनका शेयर है मुझे लगता है मेरे ऊपर अप्लाई होता है आजकल, बट दैट इज द वे। और जिन लोगों को ये वक्त मिला हुआ है अपने माँ बाप के साथ, मुझे लगता है बिताएं, क्योंकि 1-1.5 महीना आपको अपने माँ बाप के साथ उठने बैठने का मौका मुझे लगता है पिछली बार स्कूल में ही मिला होगा, तो इस मौके का फायदा उठाएं, घर पे रहें, उनका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आलस्य को अपने आप पे भारी ना होने। तो ऐसा कौन से एक्टर है जिनके लिए आप प्लेबैक करना चाहेंगे? बहुतों के लिए तो कर ही लिया, सबके लिए तो कर लिया, गाने बना लिए, कौन बाकी है? मुस्कुराएगा इंडिया में करीब 16 एक्टर थे जिनके साथ नहीं किया तो उनके साथ भी कर लिया। मुझे शाहरुख भाई की फिल्म करनी है, मुझे बहुत मन है। 2 लोग हैं जिनकी फिल्म मैं, 3 लोग हैं जिनकी फिल्म करना चाहता हूँ। एक है शाहरुख भाई की फिल्म के लिए कंपोज करना है गाना है, मुझे रणबीर कपूर के लिए गाना है, और रणवीर सिंह के लिए, इन 3 लोगों के लिए मुझे
कंपोज भी करना है, मुझे गाना भी है. और मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मोटिव है ना, वो ये है कि मैं एक इकोसिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ जहाँ पे नए आर्टिस्ट को इतने फिल्टर से ना गुजरना पड़े. टैलेंट अगर है तो उसको मौका मिलना चाहिए. और आई होप कि मैं एक ऐसे इकोसिस्टम का स्टार्ट कर सकूं इस इंडस्ट्री में जहाँ पे, इसीलिए आप कभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं आपको कोई ना कोई नया आर्टिस्ट फीचर्ड मिलेगा. क्योंकि मैं बहुत थॉरली बिलीव करता हूँ कि हर वो इंसान जो अच्छा है वो दुनिया को ये जरूर पता लगना चाहिए कि इस इंसान में कुव्वत है, इस इंसान में टैलेंट है. एंड आई होप कि मैं इसमें अपना पात्र निभा पाता हूं. आई होप इसमें पात्र. तो आपने बात कही कि यू नो दूसरों को प्रमोट करना, जो नया टैलेंट है उसके लिए खुद को इंसान को बहुत सिक्योर होना जरूरी है. वो तभी किसी और के लिए अच्छा सकता है कि इसका भी अच्छा हो जाए. बिकॉज सिंगिंग इंडस्ट्री स्पेशली आज की टाइम पर बहुत ही कॉम्पिटिटिव, इतने सारे नए सिंगर्स हैं, इतने टैलेंटेड सिंगर्स हैं, लेकिन बहुत सारे हैं. लाइक 90s के जमाने में लिटरली लोग उंगलियों पर गिन सकते थे कि ये लोग गाते हैं. आप मुझे 10 सिंगर्स के नाम बताइए जो इस समय बॉलीवुड में काम कर रहे हैं. 10 सिंगर्स के नाम. ये बहुत सारे हैं. आप 10 का नाम बताइए आप मुझे. बहुत सारे हैं. और 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 मैं रियली एक्साइटेड टू नो दिस. मैं अरिजीत और नीति मोहन हो गई. नीति हो गई. हां और इंडस्ट्री अरिजीत इज द नंबर वन सिंगर ऑफ द कंट्री बाय फार. सो एंड ही डिजर्व्स इवन मोर. मुझे हमेशा लगता है बहुत अंडररेटेड है एक्चुअली. वो इससे भी बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं. बट अगर आप ढूंढने जाएं तो हर सदी में ना 4-5 नाम ऐसे होते हैं हर युग में, हर फेज में, जो एकदम अलग से शाइन करते हैं. जैसे आप पुराने जमाने की बात करेंगे तो लता जी, आशा जी, रफी साहब, किशोरदा, मुकेश जी, मन्नादा, उंगलियों पे गिन सकते हैं आप नाम. फिर उदित नारायण, कुमार शानू, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति. Where is the next crop of people? That's what I mean. Everybody is so talented. And आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो लोग कितने talented हैं, कितने ज्यादा talented हैं. So I'm saying why only 10 and 20? There should be at least इतनी सारी आर्ट है. 133 करोड़ का देश है हमारा. हर लोग, हर इंसान आर्ट कंज्यूम करता है. तो हमारे पास आर्टिस्ट भी उतने ही होने चाहिए. And for somebody good to go through filters, उसका confidence खत्म हो जाता है. तो मेरा मानना सिर्फ इतना है, जो अच्छा है उसको आगे लेके आ जाओ. और सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी की बात वहां आती है जहां आपके कंट्रोल में सब कुछ होता है. मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे एक जैसे ही हैं. हमारा, हमको ऊपर वाले ने बनाया एक जैसा है, बट वही डिसाइड करता है कि हम तक क्या चीज पहुंचनी चाहिए. और मुझे सलमान सर ने इतना कॉन्फिडेंस दिया. मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. सलमान सर वॉज द मैन हू पुश्ड मी, जिन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि नहीं, आप कर सकते हो, आप बड़ी लेवल पे कर सकते हो. जी सलमान जी ने एग्जैक्टली आपका क्या वाक्य हुआ? मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल है उनका. हर अवार्ड लेते हुए मैं बोलता हूँ और मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे. और मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि वो मुझे गाइड करते. बट जब आपको कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी, ये छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं, बट 30 साल से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जब वो आपको बोलते नहीं आपके अंदर टैलेंट है और वो दूसरों को बोलते हैं आपके सामने नहीं बहुत टैलेंटेड है, तो एकदम से एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके मन में आता है. और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जो रोल उन्होंने मेरी लाइफ में प्ले किया है, मैं इस तरीके का एक छोटा किरदार कुछ लोगों की लाइफ में निभा पाऊँ जो शायद घर में बैठ के ये सोच रहे हो कि यार ऐसा तो नहीं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि आपको पता नहीं होता है, जब तक हो नहीं जाता तब तक हो सकता है आप इस दुनिया के सबसे टैलेंटेड आदमी हो, आपको नहीं पता होता. सेम होता है जर्नलिज्म में भी. जर्नलिज्म में भी इतने सारे लोग हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो अब नया क्रॉप आ रहा है वो कितना फिल्टर फ्री है, कितनी मेहनत करते हैं आप लोग. और जिस दिन एक क्लिक आता है ना, इट जस्ट चेंजेस एवरीथिंग अराउंड यू. एंड समबडी जो कि 30 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हो, आपको आके बोले कि यार आप बहुत अच्छा करते हो, आप जो भी कर रहे हो, तो उससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है. एंड आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट, इतना तो मैं कर सकता हूं इस इकोसिस्टम के लिए. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. पहली मुलाकात याद है सलमान जी के साथ? पहली मुलाकात याद है मुझे, याद है. पहली मुलाकात में मैंने उनको उन्होंने एक्चुअली सबसे पहले मेरे साथ एक गाना गाया था मराठी में. वो मेरी पहली मुलाकात थी उनसे. फिर तो अब तो काफी अरसा हो गया.
जी। अच्छा जाते जाते हमें ये बताइए, इस लॉकडाउन के बाद आप सबसे पहली चीज क्या करने वाले हैं? मैं रोड पे निकल के 3 गाने रिलीज किए मैंने इस लॉकडाउन में, और तीनों गानों को इतना प्यार मिला है, अगर व्यूज मिला ले तीनों गानों के तो करीबन 80 मिलियन के आसपास होते हैं, जो कि 20 दिन में बहुत होता है। तो 80 मिलियन तो आपको सिर्फ यूट्यूब बहुत बहुत कम बहुत ज्यादा बहुत सारी ऑडियंस ने आपके गाने सुने। तो मैं पब्लिक में जाके जानना चाहता हूँ कॉन्सर्ट्स में कि एक्चुअली लोग, मैं रूबरू होना चाहता हूँ लोगों से वन ऑन वन, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड आई होप कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो ताकि मैं लोगों से मिल सकूं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।